मारपीट में 6 रेलकर्मियों पर संदेह पहचान कराएगी पुलिस। वरिष्ठ संवाददाता गोरखपुर। कैंट छावनी रेलवे स्टेशन पर कार्यालय के यूरिनल का इस्तेमाल। गोरखपुर कैंट छावनी रेलवे स्टेशन पर कार्यालय के यूरिनल का इस्तेमाल करने पर 7 मई को रिटायर सैनिक की पिटाई करने के आरोपियों की पहचान करने की कोशिश में जुटी है। जीआरपी के जांच के दायरे में 6 रेलकर्मी हैं, जिनके पहचान के लिए अब रिटायर रेलकर्मी को बुलाया जाएगा। पुलिस ने हाल में पीड़ित से संपर्क किया था, लेकिन वह नहीं आए। उन्होंने पुलिस को हुलिया बताया है कि दांत में गैप, घुंघराले बाल वाले नाटेकत के आरोपी है। उधर आरोपों में घिरे छावनी स्टेशन पर तैनात रेलकर्मी ने घटना से इनकार किया है। दरअसल कुशीनगर जिले के रामकोला इलाके के बगहा खुर्द निवासी रीमा कुमारी ने तहरीर देकर बताया कि पिता रामप्रीत प्रसाद सेना से रिटायर है। 7 मई को गोरखपुर छावनी स्टेशन पर दिन में 1:45 बजे टिकट लेकर कप्तानगंज जाने के लिए ट्रेन का इंतजार करने लगे। इसी दौरान अचानक पेशाब लगने पर स्टेशन पर मौजूद ऑफिस में बने बाथरूम में चले गए। वहां रेलवे के कर्मचारी उनको बाथरूम में जाने से रोकने लगे, लेकिन अंदर चले गए। कुछ समय बाद दरवाजा खोलकर दोनों कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की, जिससे उनका सिर फट गया। उन्हें 18 टांके लगे थे। इसी आधार पर पुलिस 2 अज्ञात रेल कर्मियों पर केस दर्ज कर जांच कर रही है।